कमान संभालने के दौरान मंच पर सभी दिग्गज नेता एक साथ दिखाई दिए थे। उस वक्त पार्टी की तरफ से ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा था कि पार्टी में सभी एक हैं। इसका असर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी देखा गया। संगठन की शक्ति दिखाई दी। कांग्रेसी कार्यकर्ता आक्रामक नजर आए, लेकिन यह आक्रामकता ज्यादा दिन तक नहीं दिखाई दी। पार्टी की गुटबाजी और आंतरिक कलह की वजह से अब कांग्रेसियों की टेंशन बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस में विवाद बढ़ रहे हैं। विवाद पार्टी में उपेक्षा को लेकर ज्यादा है। नाराज कार्यकर्ता अपनी बात कहने आते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आम कार्यकर्ता की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात आसान नहीं है। वहीं बात करें भाजपा की, तो भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे है। शिवराज सिंह कई बार प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और जन आशीर्वाद यात्रा से जनता के बीच हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी आपसी मतभेद में अटकी हुई है। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान को मंच से नीचे उतारा, तो नूरी सोशल मीडिया पर मुखर हुई। सिंधिया के व्यवहार की खुलकर आलोचना की। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को भी शिकायत की। इसको लेकर पार्टी को सफाई देना पड़ी। हालांकि हाईकमान से चर्चा के बाद नूरी ने कदम पीछे खींच लिए थे। मैंने सबसे पहले पोस्ट नहीं की थी, ये घटना 28 तारीख की थी और 1 तारीख को तक भाजपा ने जिस तरीके से पूरा माहौल बना दिया था प्रदेश में और देश में, तो मुझे अपनी पीड़ा व्यक्त करना पड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चूक थी। जबकि मुझे जिस तरीके से मैंने राहुल गांधी जी को पत्र लिखा, आदरणीय कमलनाथ जी से और पार्टी के बड़े नेताओं से बैठकर चर्चा करनी थी, और चर्चा करने के बाद ये हल निकला कि न तो आदरणीय सिंधिया जी की ये मंशा थी, तो उसके बाद कोई भी ऐसी बात रह ही नहीं जाती है कि हम मन में ऐसा रखें। जो भी हुआ था वो सारा खत्म हो चुका है, हम लोगों के दिल में अब ऐसा कुछ भी नहीं। नूरी की शांति थोड़े ही समय के लिए थी। उन्होंने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया और अपनी ही पार्टी के एक पूर्व विधायक पर निशाना साधते हुए टिप्पणी कर दी। सूत्रों के मुताबिक नूरी ने उज्जैन से ही कांग्रेस के पूर्व विधायक को उनकी हैसियत बताने की चेतावनी दी। कुल मिलाकर चुनावी साल में कांग्रेस को हर चीज पर संघर्ष करना पड़ रहा है और इस तरह के बयानों से पार्टी का नुकसान है या फायदा, कार्यकर्ता इसका स्वयं आंकलन कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।